नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मीठे आम की गुड़ वाली चटनी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम करीब 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, और इसके अलावा जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं अभी बता रही हूँ। ये देख लीजिए, इसके अंदर हमने 2-3 कच्चे आम लिए हैं, 250 ग्राम गुड़ लिया है, 5 फ़ोरन लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है और तेज़पत्ता लिया है। इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है हल्दी और काला नमक। हल्दी है 1/2 चम्मच और काला नमक है 1 छोटा चम्मच। सबसे पहले तो तेल जब गर्म हो जाए तब उसमें सूखी लाल मिर्च को तोड़कर हम डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च जब अच्छे से भुन जाए तभी हम इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर ये सूखी लाल मिर्च भुन गई है, तो हमने यहाँ पर 5 फ़ोरन और तेज़पत्ता भी डाल दिया है। इसे हम थोड़ी देर चला लेंगे। अब हम इसमें आम डाल देंगे। इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम हल्दी और नमक भी डाल देंगे और इसे वापस से थोड़ा सा चला लेंगे ताकि हल्दी अच्छे से आम में मिल जाए। अब हम इसके अंदर गुड़ भी डाल देंगे। इसे हम चला लेंगे। दोस्तों, मैंने गुड़ डालने के वक्त गुड़ को चाकू से छोटा छोटा काट लिया था ताकि ये आराम से मिल जाए। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, करीब 1/2 कटोरी पानी डाला है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आम अपना खुद का पानी छोड़ देगा। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। करीब 5 मिनट धीमी आंच पर पकने के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो देखेंगे कि आम ने अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इसकी ग्रेवी मिल जाएगी। अब इसे थोड़ा चलाकर हम वापस ढक्कन लगाकर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इस ढक्कन को हटाएंगे। ये चटनी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। देखिए, आम बिल्कुल पक गया है। आम की चटनी में उसका रस का गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। गाढ़ा मतलब स्ट्रिंग बननी चाहिए, एटलीस्ट एक स्ट्रिंग तो बननी ही चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्ट्रिंग बन रही है, तो हमारा ये बन चुका है। अब हम इसमें एक भुना हुआ मसाला डाल देंगे, जिसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा, इसे पहले हल्का सा भून लिया और उसके बाद उसको पीस लिया। तो ये मसाला इसमें मैं डाल दूँगी। अगर आप इस मसाले की डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस मसाले की भी वीडियो बना दूँगी। तो हमारी ये चटनी, खट्टी मीठी चटनी, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है और आपसे बहुत सारी सपोर्ट की उम्मीद रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैंने मेरी चटनी को निकाल दिया है, आम की चटनी को निकाल दिया है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।